हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें हम करते हैं प्रपोज संबंधित बातचीत। दोस्तों, प्रेमपाल नर्सरी से सुमित मौर्य मैं आपको स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रेमपाल नर्सरी में। दोस्तों, हम आपको दिखा रहे हैं आज क्या हमारा नया वर्क है जो हम करने जा रहे हैं, जो हम वीडियो में साझा करना चाहते हैं। वो दोस्तों ये है कि हम आज इस टाइप की बास्केट हैं, इनको हम भरेंगे, इनमें पौधे लगाएंगे खूबसूरत खूबसूरत। अभी हम पौधे जो भी लगाएंगे वो भी आपको दिखाएंगे। और ये बहुत बढ़िया होती है, इसकी क्वालिटी प्लास्टिक की बहुत बढ़िया है और इसमें ये टाई की तरह लग जाती हैं, ये इस तरह से ये लग जाती हैं बास्केटें। पूरी वीडियो में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा किस टाइप से लगती हैं। तो ये लगा के इसको लगा देंगे इसमें, ठीक है। और इसमें देखो, आप देख सकते हो ये बहुत पुरानी बर्मी कंपोस्ट तो नहीं है, ये गोबर वाली खाद है। हम लोगों के पास गोबर वाली खाद को हमारा ज़्यादा वर्क करते थे, हम गोबर वाली खाद का यूज़ करते हैं। तो बहुत पुरानी गोबर वाली खाद है ये, दो तीन साल मतलब इसमें दो तीन बारिश पड़ जानी चाहिए इतनी पुरानी गोबर की खाद हो, अन्यथा गोबर की खाद का यूज़ ना करें, बर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं आप। तो ये बहुत ही पुरानी गोबर की खाद देख सकते हो आप, हाथ में लेते एकदम मैश हो जा रही है, गिर जा रही है, फैल जा रही है दोस्तों, देख सकते हो आप। तो दोस्तों, इस तरह से आपको बर्मी कंपोस्ट लेनी है, जिसमें मैंने मिट्टी का तेल लिया, ये मिट्टी का कोई इसमें अंश नहीं है। और उसके बाद मैंने लिया है कोकोपीट, ये मेरा कोकोपीट है, ये कोकोपीट देख सकते हो आप 100% ऑर्गेनिक है, ये फूल रहा है इस समय। तो कोकोपीट फूलने के बाद इसमें काम चालू करते हैं, कोकोपीट को वर्मी कंपोस्ट को कोकोपीट को मिक्स करके फिर इसके अंदर डालेंगे, जिससे कि अब गर्मी का मौसम है तो पानी की कमी इनको ना हो, ठीक है। देख सकते हो मैं पौधे ले आया हूँ बास्केट में लगाने के लिए। ये एक वैरायटी है कुल्फा शायद बोलते हैं, और एक ये है हमारा हाइब्रिड वाला फोटो लगा। तो हम ये सब कुछ करेंगे। और आपने देखा था वर्मी कंपोस्ट पड़ी हुई थी, ये गोबर वाली खाद हमारी कंपोस्ट खाद, अब उसमें हमने कोकोपीट डाल दी। कोकोपीट बहुत अच्छी क्वालिटी में हमारे पास है, तो हमने कोकोपीट सारी डाल दी। अब मैं इसको मिक्स करके उसके अंदर भरूंगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगा किस टाइप से क्या कार्यक्रम चल रहा है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों देख सकते हो आप, अब हमने बास्केटें सारी कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट गोबर वाली सड़ी हुई खाद का मिश्रण में बढ़िया करके करने के बाद ये आप देख सकते हो कितनी लाजवाब लग रही हैं, बहुत ही प्यारी लगती हैं। जब बास्केटें पूर्ण रूप से तैयार हो जाती हैं तो हम आपको दिखाएंगे। एक मैंने बढ़िया करके बांध रखी है, मतलब पूरा इसका सिस्टम बना रखा है। तो ये इस टाइप से हो गई है तैयार, देख सकते हो आप, लग रहा है ना बेहतरीन। अभी और भरेगी, थोड़ी सी और भरेगी तब कितनी अच्छी लगेगी सोचो आप। तो इस टाइप की से ही भरी जाती हैं, जो मैंने आपको मिश्रण दिखाया था, एक बार फिर दिखा रहे हूँ। मेरा सिर्फ टोटल बर्मी कंपोस्ट, भाई गोबर वाली सड़ी हुई खाद, कंपोस्ट खाद सॉरी, और ये कोकोपीट, कोकोपीट की बेस्ट क्वालिटी वाली मेरे पास कोकोपीट है, उसका ही मिश्रण मैंने लगाया साथ में। और मैंने सम मतलब कुछ ही बास्केट है तैयार की हैं, ये आप देख सकते हो। और बास्केट का मैंने आपको लुक भी दिखा दिया किस टाइप से इसमें अच्छी लगती है, ये सब टंग जाएंगी, बहुत प्यारी लगेंगी दोस्तों। तो इसी तरह से आप अपनी बास्केटों को भर सकते हो और तैयार कर सकते हो, और हमारे पास आके हमसे ले भी सकते हो भरी भराई कंप्लीट कोकोपीट बढ़िया कंपोस्ट में लगी हुई। सेपरेट चाहिए हो तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो प्रेमपाल नर्सरी जौहरपुर सीबीएन बरेली, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, बास्केट हमने बना दी हैं, तैयार कर दिए हैं, आपने दिखाया भी था हमने कि उनमें पानी लगाया था बढ़िया करके, सारा कार्यक्रम हो चुका है। उसके बाद अब वो पहुँच चुके हैं अपनी स्थिति पर, अपनी जगह पर जहाँ उनको लगना था। ये देख सकते हो हमने बास्केट पूरी तैयार करके बास्केट लगा दिए हैं, एक ये है, दो तीन और भी हैं। ये है 10 भुजिया हाइब्रिड वाली पिंक कलर, ये वाइट, तो बहुत ही प्यारी लगती हैं बास्केट है, ये देख सकते हो आप। थोड़ा सा ऐसे करो और अच्छी लगेगी। ये अभी शिफ्ट हुई है ना, अभी थोड़ा सा ऐसा रहेगा, थोड़ा टाइम सही हो जाएगी दोस्तों। इस तरह की बास्केट अगर वाइट में एकदम, ये क्या है, ये ख़राब भी नहीं होगी, इसकी प्लास्टिक ना कलर होगा, जो लोहे वाली होती है ना, मैं उसमें आपको दिखाता हूँ उसमें क्या होता है आने वाले टाइम में, बहुत टाइम में उसमें क्या होता है, काई आने लगती है। देखो इस तरह से जंक आ जाती है उसमें, ये जंक आ गई, तो इसलिए आप इससे बेहतरीन है ये वाली टच करो। और ये वाइट कलर है, कलर भी इसका फेल्ड नहीं होगा, इनके कलर होते हैं जो इस टाइप से थोड़ा सा फेल्ड भी हो जाते हैं, देख सकते हो आप हल्का कलर फेल्ड भी हो चुका है, ये काई भी आ रही है। तो इस तरह से है कि आप ये वाली यूज़ करोगे तो बहुत बेस्ट रहेगी, बहुत अच्छी क्वालिटी में, कलर भी फेल्ड नहीं होगा, ऑल टाइम चलने वाली है दोस्तों। इस तरह की बास्केटें चाहिए तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। प्रेमपाल नर्सरी को सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों, बाय। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।